स्वागत है सभी का नए दिन नए ब्लॉग में। और अभी अपना सुबह जिम आए हैं तो पहले वर्कआउट कर लेते हैं। और वैसे 9 बजे के आसपास हो रहा है तो भाई पहले वर्कआउट करते हैं जाके और उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। ये रहा भाई अपना जिम का परिसर। तो फाइनली वर्कआउट तो अपना हो चुका है बढ़िया। और आज डे 2 था, ट्राई किया डे 2 करने का और बस बढ़िया धूप निकली हुई है। पर अब लगता है कि देखो जिम का भी टाइम ऑलमोस्ट होने ही वाला है तो हम भी निकलते हैं। बढ़िया यहाँ पे लॉन वॉन बन रखा है तो अब चलते हैं अपना घर पे। और जिम से वापस आ गए थे और अपना अभी जो मील बनाए थे सुबह के लिए वो खाए और नहाए हैं। अब ना अपने को क्या काम है, अपने को आज थोड़ा शॉपिंग करने निकलना है और शॉपिंग करने जाएंगे और ख़ासकर कुछ चीज़ें लेनी है तो पहले मार्केट के लिए निकलते हैं। अपना थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करके और अब थोड़ा अपना ना खाना खाने बैठ गए, सारा दिखाते हैं। तो ये अपना स्पाइस और आज राजमा है वैसे, और अपना पनीर भुर्जी और थोड़ा सा अपना तंदूरी आइटम। तो यही है भाई अपना थोड़ा प्रोटीन सोर्स और खाते हैं खाना क्योंकि भूख तो थोड़ी लग रही है। तो भाई अभी हम और राहुल भैया निकले हैं ज़रा अपना कहाँ सफ़र में ही निकले हैं। और अभी रास्ते में देखो अपना गणेश विसर्जन जो है वो दिख गया, उसका नजारा दिखाते हैं आगे। आज गणेश विसर्जन का एक दिन है, गणेश विसर्जन है तो उसका नजारा दिखाते हैं कि लोग सेलिब्रेट कैसे करते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे मस्त सब अपना ऐसे मूर्ति रख के और थोड़ा नाच गाना करके ले जा रहे हैं मूर्ति गणेश विसर्जन के लिए। ये देखो ऐसे रंग वंग उड़ा के चलते रहिए, दिखाते रहते हैं। ये देखो भाई मस्त। ऐसी गाने वगैरह बच्चे भी अपना मस्त। ये तो होली होली का रंग उड़ा रहे हैं यार, हैं? ऐसे ही करते हैं यार, ढोल उड़ाते उड़ाते मस्ती करते डांस करते विसर्जन करते। ये देखो भाई यहाँ पे ऐसे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जरा गाना वाना चला के, बढ़िया। तो ये तो काफी रैंडम सीन हो गया, क्यों राहुल भैया? एकदम रैंडमली हम अचानक से मिल गया। हमें पता था कि आज गणेश विसर्जन है गणेश जी का और हम गए सड़क पे, देखा दूर ये क्या चल रहा है, भाई मस्त होली होली के रंग उड़ा के बच्चे नाच गाना वगैरह करके, ये भाई देख के मजा तो आता है। और अभी हम एक लोकेशन पे जा रहे हैं जो राहुल भैया बताए हैं, और गणेश जी के जहाँ विसर्जन होता है जी, तो जहाँ विसर्जन होता है वहीं जा रहे हैं, वहीं आपको थोड़ी देर में लाइव दिखाते हैं। तो लाइव पहुँचते हैं और फिर लाइव दिखा के थोड़ा बातचीत करते हैं, वहीं पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है। मतलब मेरे को भी जानने को मिलेगा क्योंकि मेरे को भी मैं कभी यहाँ देखा नहीं हूँ शायद गणेश विसर्जन, गणेश जी का विसर्जन यहाँ पे, तो देखते हैं और फिर वहाँ पहुँच के बात करते हैं। तो मैं और राहुल भैया आ गए हैं, लोकेशन का नाम क्या है कुछ नाम आपको याद है? एक हम अपना ब्लॉग बनाए थे कि रीवा का बेनाम जगह, यही पे क्यों यही है बेनाम जगह। तो यहाँ हम आ गए हैं, आगे पंडाल उंडाल भी लगा है और चलते हैं आगे दिखाते हैं। और यही है, आप नदी का क्या नाम बता रहे थे? बीहर नदी। बीहर नदी, नदी का तो, नाम बीहर नदी। यहाँ पे भी लोग आए, थोड़ा आगे का भी मंजर दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पे लोग गाड़ी वगैरह से आ रहे हैं अपना, आगे अगर बैंड बाजा का भी आवाज़ लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे आज गणेश विसर्जन है। तो जरा देखते हैं और चल के थोड़ा नज़ारा देखते हैं आगे चल के। हाँ अभी लोगों का नाच गाना भी चल रहा है, आगे चल के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना विसर्जन का परंपरा जो है वो चल रहा है, लोग आ रहे हैं अपना और काफ़ी अच्छी खासी जनता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा पुलिस, यहाँ पुलिस भी तैनात है, इतनी गर्मी का मंजर तो है वैसे पर अच्छा मास। अगर मैं जूम इन करके दिखाऊँ तो लोग जैसे यहाँ पे मूर्ति ले जा रहे हैं अपने अपने घरों से अलग अलग जगहों से और आगे वहाँ पानी के पास अपनी मूर्ति विसर्जित करते हुए। तो ये देखिए अभी यहाँ पूजा हो रही है और फिर पूजा के बाद यहाँ विसर्जित करेंगे ले जाके, यहाँ लोगों की लाइन लगी हुई है अभी। तो अब यहाँ पे जैसे पूरी परंपरा के साथ विसर्जित होते हुए मूर्ति वाले
परंपरा का क्यों पालन करते हुए, और जैसे अभी ऐसे मूर्ति विसर्जित कर दी, बढ़िया अच्छा लगा देखते हैं। क्यों राहुल भैया, कैसा लगा मंजर देखो? बहुत बढ़िया, मैं भी पहली बार देखा हूँ। मैं भी एकदम रैंडम। हाँ मस्त, राहुल भैया ले आए यहाँ पे मस्त। और बीहर, बीहर नदी है, बीहर नदी है जहाँ पे गणेश विसर्जन होता है यहाँ रीवा में स्पेशली। और अच्छा, ये प्रथम है, पहली बार देखा हूँ। ढोल वोल बजाए, पंडाल लगाए पुलिस का। आरती तो मैं कई बार देखा हूँ, लेकिन गणेश विसर्जन पहली बार देखा। नहीं, और अच्छा यहाँ पे सिस्टमैटिक भी किया है, जैसे पीछे बोर्ड भी लगा रखा है, प्रॉपर रीडायरेक्शन चल रहा है, और लोग भी बारी बारी से अपना आ रहे हैं और मतलब अपना टर्न का वेट करते हुए क्यों विसर्जित कर रहे हैं। तो ऐसा मतलब भीड़ भाड़ कह सकते हैं पर सिस्टमैटिक। हाँ, हर लोग अपने अपने नंबर के इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सिस्टमैटिक, हाँ तो काफ़ी सिस्टमैटिक बना रहा है, बहुत अच्छी है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे अभी मूर्ति लाई जा रही है विसर्जन के लिए, बढ़िया। राहुल भैया भी एंगेज होते हुए थोड़ा, पर अच्छा लग रहा है ये ट्रेडिशन देख के सामने सामने। और यहाँ पे सब ले जा रहे हैं फाइनली विसर्जित करने के लिए। ये देखिए, अभी जैसे अभी जाके मूर्ति थमाएंगे यहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे थोड़ी अनाउंसमेंट भी चलती हुई, पर हाँ अभी धीरे धीरे आगे जाते हो, और आई थिंक थोड़ा आगे वाले पॉइंट पे जाके वहाँ पे थमा देंगे आगे विसर्जन के लिए। तो पूरा अपना रीति रिवाज फॉलो करते हुए और तब तक यहाँ पीछे लोगों की जनता भी आ रही है ठीक ठाक नंबरों में, बढ़िया। ये देखिए यहाँ पे पहले जो मूर्तियाँ हैं, ये देखिए से विसर्जित कर दी जाती है। तो बस अभी थोड़ी देर हम बैठ के देखें और अब वापस अपना प्रस्थान करते हैं। तो देखिए, जैसे अभी तो हम इस साइड आ गए, पर यहाँ से ऐसे पहले ऊपर मूर्ति के साथ पूजा होती है, और जैसे यहाँ रख के भी कुछ लोग पूजा करते हैं, और उसके बाद यहाँ से आगे ले जाते हैं स्पॉट पे, और फिर वहाँ आगे ले जाके विसर्जित कर देते हैं। तो अच्छा लगा ये प्रथा देख के। तो यहाँ पे भी जैसे मूर्ति रख के पूजा हो रही है, ये देखिए यहाँ पे आ रही है अपनी गणेश जी की मूर्ति। वाह, पूरे होली के रंग ऐसे। तो हम आगे मूर्ति ले जाएंगे पूजा के लिए, और उसके बाद जैसे कि दिखाया और बताया, काफ़ी अच्छी विशाल विशाल मूर्ति है, जो अच्छी है और डिफरेंट है, और आगे ले जाके उसी पूरे रीति रिवाज से यहाँ विसर्जित कर दी जाएगी। तो सब लोग अपना अलग अलग अपने अपने डिफरेंट जगहों पे पूजा कर रहे हैं, और कुछ लोग जैसे घर से पूजा करके भी
यहाँ ला रहे हैं मूर्ति को विसर्जित करने के लिए। बढ़िया। तो अपना गणेश विसर्जन रेंडमली देख के क्यों राहुल भैया? अच्छा लगा। क्या आ रहा हो आप भी पहली बार देखे क्या? अभी पहली बार देखे गणेश विसर्जन। हाँ, नवरात्रि माता जी को हम विसर्जन कई बार करवाए भी, गए भी देखे जी जी, लेकिन गणेश जी के विसर्जन आज पहली बार देखे। हाँ, और अच्छा लगा। और वो जो एंड में भी जो मूर्ति आई, क्यों पूरा सब लोग एकदम पूरा देख के आनंद आ गया। और आप एक चीज क्या बता रहे थे, यहाँ लोग क्या गाना गाते हैं? जब वो गाना शुरू किए थे बीच में कुछ, हाँ जो गीत गा रहे थे, हाँ तो लोक गीत है, लोक गीत है, पूजा पाठ करते हैं, विसर्जन करते हैं, जी जी गीत गाते हैं। रीवा का लोक गीत, रीवा का लोक गीत। अच्छा, तो बढ़िया लगा यार वो भी सुन के। और जैसे लोगों का आना जाना तो चल रहा है, जैसे हमारे पीछे भी एक गाड़ी गई है, तो सब अपना अपना घर से, कुछ लोग घर से पूजा करके आई थिंक ला रहे हैं और कुछ लोग यहाँ आके पूजा कर रहे हैं, और ढोल नगाड़े तो बजी रहे हैं। पर बढ़िया लगा यार पूरा ये मंजर देख के, और रेंडमली यहाँ आके और पूरे रीति रिवाज देख के तो मज़ा आ गया। अब चलते हैं हम भी ज़रा वापस। और कुछ लोग अभी जैसे यहाँ पे भी पूरा यहाँ पे नाच गाना करते हुए मूर्ति ला रहे हैं विसर्जन के लिए। मस्त। तो अपना देख के वापस आ गए थे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किए और फिर थोड़ा सा काम था वो किए। लेकिन आज का जो रैंडम चीज़ें दिखी, क्योंकि मैं निकला था, मैंने कहा थोड़ा चक्कर लगाने जाते हैं उस साइड जाएंगे, एक जगह जहाँ एक बार मैंने व्लॉग भी बना रखा है बेनाम जगह करके, और उस रास्ते में ही दिख गई भाई, दिख गए लोग जो पूरा म्यूज़िक व्यूज़िक बजा के अपना रंग उड़ा के और पूजा करके जा रहे थे एकदम खुशी से। तो बहुत ही अच्छा लगा ये देख के, रैंडम चीज़ हुई। और मैंने फर्स्ट टाइम देखा गणेश विसर्जन, और राहुल भैया ने भी फर्स्ट टाइम देखा, तो काफ़ी मज़ा तो आया देख के, और अलग एक्सपीरियंस था, डिफरेंट एक्सपीरियंस था, अच्छा एक्सपीरियंस था। और जो इन्फॉर्मेशन जानने को पता लगेगी बिहर नदी में, जैसे लोग जाते हैं कहाँ कहाँ पूजा करते हैं, अपना ढोल नगाड़े बजाते हैं, और कभी कभार या तो घर से पूजा करते करके लाते हैं ही, और वहाँ जा के भी पूजा कर सकते हैं, और वहाँ भी पूजा करके उसके बाद प्रवाह करते हैं नदी में, तो बहुत ही मतलब विसर्जित करते हैं नदी में। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे एक्सपीरियंस देख के, लोग भी मस्त अपना खुश थे और ढोल वोल बजा रहे थे, नाच गा रहे थे और रंग उड़ा रहे थे, और अपना जो बिहर नदी है वहाँ पे विसर्जित कर रहे थे। तो आई होप ये देख के मज़ा आया होगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता लगी होगी, और मस्त था भाई, मज़ा आ गया। तो यही था इस दिन के लिए, आज के लिए, इस ब्लॉग के लिए, और नए दिन नए ब्लॉग में मिलेंगे। बाकी तो बताइए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। बाय बाय, चाओ चाओ, नमस्ते, चलो।